फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मुंबई। कल हम यहाँ से निकलेंगे लोनावला, जहाँ पे यहाँ प्री वेडिंग शूट करना है। फिर बाकी आपको दिखाते हैं लोकेशन। सभी भाइयों को राम राम। फिलहाल हम लोग फर्स्ट डे जो शूट होना है प्री वेडिंग निकल चुके हैं, लेकिन भाई बारिश बारिश का गौमत, बारिश तो इतनी हो रही है, इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि क्या ही बताएं। बस कहीं कहीं बारिश में भी जा रही है, और ये बारिश जब से हम लोग आए हैं तब से हो रही है। बस कल पूरे डे नहीं था, और मुंबई की तरफ उधर नहीं है, और इधर जहाँ हमको शूट करना है इधर अभी बारिश तो तगड़ी है। देखते हैं क्या होता है, डे का कितना शूट हो पाता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लोनावला, और ये है टाइगर पॉइंट जो लास्ट में हमें जहाँ शूट करना था फर्स्ट। और ये देखिए पीछे पूरा फॉग है अभी, तो यहाँ पर शूट लग रहा है कैंसिल करना पड़ेगा सर। टाइगर पॉइंट पे लाए थे बहुत ही सोच के कि फर्स्ट हम लोग का शूट यहीं होगा, लेकिन अभी देखते हैं फॉग ज़्यादा हो गया है। मैम इधर जा रही हैं। फिलहाल जहाँ पे हम लोग आए थे टाइगर पॉइंट पे, वहाँ का शूट कैंसिल हो गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तगड़ा फॉग है। ये आप देखिए चेंज हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है मौसम, चेंज हो रहा है। लोकेशन देखने के चक्कर में हम लोग ऐसे जंगल में फंस गए हैं, पीछे देखेंगे पूरा एकदम फाइट के लिए हम लोग रख लेते हैं। पूरा एकदम इतना घना है कि आगे जाने का मन ही नहीं किया, वापस आ गए हम लोग यहाँ पे। एक ना फोर्स ले और ये भाई जंगल में जाते हुए निकले थे मुंबई नौलारा के लिए, और लग रहा हम पहुंच गए हैं अभी श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर की फीलिंग पूरी आ रही है, आप इधर एक बार दिखा सकते हैं। ये देखिए सर, ये पूरे नज़ारे हैं। एक लोकेशन ये भी सही है, तो सही है चाहिए, और इधर चलने के ऐसे जाते रहोगे कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। फिलहाल बारिश बहुत ही गंदा बारिश हो रहा है, इसके वजह से अभी तक हमारा सुबह हम लोग जो कि 8 बजे पहुंच चुके थे, और 8 से 10 बज गया, अभी तक बारिश आ रही है जा रही है, और एक भी शॉट नहीं हुआ है। अभी रास्ते में आके रुका गया है, एक शॉट देख रहे हैं लेने के लिए, फिर बताते हैं। और ये मैम सर आ रहे हैं मैम का हेल्प करते हुए, अभी मैम का हेल्प करते हुए सर, क्योंकि सब सेवा में लग गया हूँ, जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। अभी सर ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, लड़ाई ही लड़ाई है। थोड़ा सा इधर आ सकते हैं हल्का सा, बस ठीक है, बस 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 ठीक है, इनाफ है। ठीक है, एक शॉट लेते हैं पता, ठीक है
रेडी, वन टू। फर्स्ट लोकेशन हम लोग का स्टार्ट हुआ है विदाउट पेडेड नोलावला में। मैम थोड़ा सा आप आगे रहिए सर से, चलिए 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 चलिए। आप देख सकते हो फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है। अभी एक भी पोज पूरा नहीं हुआ हमारा, बारिश स्टार्ट हो गई है। पहले 11 बज गया है और बारिश आप लोग देखिए कितना तगड़ा है। इसकी वजह से हमें स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि हमारे पास 2 दिन का टाइम है, हमको घर भी निकलना है, टिकट कंफर्म है, तो इसकी वजह से बारिश में शॉर्ट स्टार्ट हो गया है। देखिए बारिश इतनी तेज हो गई, मैम को जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठाया जा रहा है और सर भी निकल गए हैं, आपका नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ पे ऐसे करके फिर राउंड कराना, ठीक है ना सर? समझ गई मैम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब मूव होगा ना, किसी से दे रहा या तो मुझे फ्री टू थ्री। वेट नहीं, दोनों में कर लीजिए जो अच्छा लगेगा वो सेलेक्ट कर। यहाँ पे ना सर ऐसे ऐसे खड़े हो रहे हैं आपको, ठीक है ऐसे करके उतार के फिर से उतार के खड़े, ठीक है। ये नहीं अच्छा लग रहा है उधर क्रॉस, ठीक है रेडी सर। थोड़ा सा स्लो जाइए, टू थ्री। इस ड्रेस पे ये लास्ट सूट है, यहाँ पे लास्ट पोज यही कराया जा रहा है, इससे पहले सारा कुछ हो गया। फर्स्ट लोकेशन है, फर्स्ट ड्रेस है और बज गए है 1, क्योंकि बारिश बहुत दखल दे रही है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसी तरह ये बारिश दखल दे रही है। फाइनली सेकेंड डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुँच गए हैं, जो शूट होना है। इस जगह का नाम है टोंगारली लेक। अभी सर से सारी बात हो रही है और इधर मैम है। आप लोकेशन पे नीचे का देखोगे बहुत ही तगड़ा है, ये देखो पे। फिलहाल हम लोग आए, हमारे अलावा कोई मिला नहीं है, ना कपल कोई मिला ना टूरिस्ट मिला, ओनली फॉर माय टीम। सर देखिए, सर को साइड में खड़ा कर दिया गया है।
सर गाइड कर रहे हैं मैम को। फिलहाल सेकंड लोकेशन का शूट डन हो चुका है, ये लास्ट फोटो हो रहा है बस, और बहुत ही तगड़ा यहाँ का व्यू है। इसे देखिए, यहाँ पे आप आओगे तो एकदम खाली खाली दिखेगा, कपल भी नहीं थे, कोई नहीं था, बस हम ही लोग आए थे। और जब भी आए तो कस्टमर को भी थोड़ा सा पूछते रहिए कहाँ पे, क्योंकि उनको ज़्यादा पता रहता है, घूमे रहते हैं। तो फिलहाल सेकेंड लोकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से सर मैम को लेके हम थर्ड लोकेशन पे जाएंगे, और वहाँ जाने से पहले कुछ लोग भूखे हैं, उनको खिलाना है। फिलहाल सेकेंड लोकेशन तक तो बहुत अच्छा रास्ता था, और इसमें ये थर्ड लोकेशन पे जाने के लिए हम लोग को झूला झुलाया जा रहा है। चलेंगे कहाँ पे सर बताएंगे? मिसल पाव खाने, पहले मिसल पाव, पहले पेट पूजा, फिर काम पूजा। ऐसा ना भोजन मरेगा। फिलहाल मैम और सर भी आ चुके हैं रेस्टोरेंट में जाने के लिए, और मुंबई में आपको हर जगह पाव मिलेगा। अगर आपको अंडा खाना है तो अंडा के साथ अंडा पाव मिलेगा, आमलेट पाव लेना पड़ेगा, सब्जी पाव लेना पड़ेगा, सारा कुछ यही आपको है। ब्रेड पाव, ये है मिसल पाव, यहाँ का सबसे फेमस जगह। फिलहाल आज के डे का लास्ट लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं, जो आई ए बीरा माता का मंदिर है, और ये लोकेशन बहुत ही तगड़ा है। नीचे से आपको पैदल आना पड़ेगा, आना है बस 500-600 मीटर है। ये देखिए पहाड़ों को काट के बनाया गया है। और सर आगे कैसा लगा? ऊपर अब देख रहे हैं कितना आर्कियोलॉजी वो टाइम पे, ऊपर आके कैसा लगा? अरे बहुत अंदर से है ये पूरा। सर मेरा पेट ना प्लीज छुपा देना यार, बहुत मुश्किल से दबाया था, अब निकल गया प्लीज। तो सर सुबह ऐसे रोज जॉगिंग करते रहिए आज की तरह, मेरे भाई फिर आज कैसे निकल के इंसिस्ट किया था कि नहीं? सही बताइए, सही ये मिसल और पाव का कमाल है सर। और पास 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 मैम, आप तो एकदम निकल गए मैम के पास। इतना तेज बारिश हो रहा है कि दिख नहीं रहा है कुछ। फाइनली सारा कुछ खत्म हो गया शूट, और हम आ गए हैं इसमें इस समय लोकमान तिलक टर्मिनल, और सर हम लोग को आए हैं छोड़ने, उसके बाद से ये छोड़ के निकल देंगे।